लेट्स डिस्कस रियल एंड आइडियल गैसेस। अब देखिए, आइडियल गैस का मतलब होता है वो गैस जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉस को ओबे करे या फिर आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करे। सो द गैसेस विच ओबे द गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेड टू बी द आइडियल गैसेस। याद रखे, सो गैसेस विच ओबे गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नोन एज आइडियल गैसेस। उनको हम लोग आइडियल गैसेस बुला सकते हैं, लेकिन याद रखना ऐसी कोई गैस नहीं होती जो पूरी तरह से आइडियल हो। सो आइडियल गैस, ये जो कंसेप्ट है इसको थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, ना कि प्रैक्टिकल, क्योंकि हर गैस डेविएशन शो करेगा। सो याद रखे, नो गैस इज आइडियल, दस कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस हैज थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ओनली। इसको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। अब याद रखे, जो रियल गैसेस होते हैं यानी हमारे इर्द गिर्द जो गैसेस है उन्हें हम रियल गैस बुलाएंगे, जैसे O2, N2, CO2, दीज आर द रियल गैसेस। अब रियल गैसेस का क्या है कि यूजुअली दे ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। सो रियल गैस को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे? द गैसेस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, याद रखे, आर कॉल्ड एज रियल गैसेस। सो गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर इज नोन एज रियल गैस। उसको हम लोग रियल गैस बुलाएंगे। अब जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा सूटेबल जो एंटिटी है जो हम कंसीडर करेंगे, दैट हैपन्स टू बी द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम पीवी बाय एनआरटी करके निकाल सकते हैं। सो याद रखे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज मोस्ट सूटेबल फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड इट इज गिवन एज। सो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। ऐसा करके हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एग्जैक्टली 1 होता है, व्हेन जेड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यानी वो गैस आइडियल गैस है हर टेम्परेचर पे। ये चीज याद रखना होगा। सो व्हेन जेड इज इक्वल टू 1, देन गैस इज आइडियल एट ऑल टेम्परेचर एंड
प्रेशर, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे वो आइडियल होगा। अब देखिए हर रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसे उसका बॉयल टेम्परेचर कहना चाहिए, ये भी याद रखें। सो टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर, उसको बॉयल टेम्परेचर कहना चाहिए या फिर बॉयल पॉइंट भी कहा जा सकता है। अब देखिए अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा हो, यानी इफ इट कम्स ग्रेटर देन 1, इसका मतलब पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। सो ऐसे जो गैसेस है दीज आर लेस कॉम्प्रेसिबल एंड शो पॉजिटिव डेविएशन, याद रखें। सो व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 1 देन द गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल, गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल एंड शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, याद रखें। अब अगर Z यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 होता है, इसका मतलब गैस इज हाईली कॉम्प्रेसिबल एंड शो नेगेटिव डेविएशन, याद रखें। सो व्हेन Z इज लेस देन 1 देन गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल, गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल एंड शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए इजीली जो लिक्विफिएबल गैसेस है जैसे अमोनिया SO2 वो लार्ज डेविएशन शो करेंगे, मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर उनका दिख पड़ेगा। सो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस लाइक NH3 SO2 एटसेट्रा शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी ये ज्यादा बिगड़े हुए गैसेस है, याद रखना। लेकिन कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के डेविएशन शो करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं CO2। सो ये भी याद रखो, सम गैसेस लाइक CO2 शोज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू रियल एंड आइडियल गैसेस।